हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक कास्टिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले। कास्टिंग का जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर उसके बारे में बात करें तो मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग समझ सकते हो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है, अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो वीडियो एंड तक देखना। तो मेन चीज़ के बारे में बात करें तो डेट डेज इम्प्रूव हुआ है कंपनी में और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट सिंस 2011, मतलब 2011 से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रही है कंपनी में। 27.91% जो रिटेलर्स का होल्डिंग है वो है 27.91%। और अगर हम लोग फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो 100% CNC में लोग माल घर लेके गए। लिक्विडिटी कम है स्टॉक में, BSE का लिस्टेड स्टॉक है, BSE में लिस्टेड है, मतलब भी कंपनी का लिक्विडिटी सिर्फ BSE में लिस्टेड है, इसका मतलब है कंपनी का लिक्विडिटी कम है। 90% कंपनी है जो सिर्फ BSE में लिस्टेड है उनका लिक्विडिटी कम है, 95% कंपनी। तो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं क्या उसका इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, सब कुछ एक बार चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है कैप्टन टेक्नोकस लिमिटेड, BSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 5.41% डाउन था, फिलहाल ये कंपनी 35 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है। अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कंपनी IPO में लिस्टेड हुए हुए, BSE में ही लिस्टेड हुए हुए ये कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो NSE का बात ही तो छोड़ दो आप लोग, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स यही निकल कर आता है, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर कंपनी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का 29.85 के रीजन से बाउंस बैक करती है तो आप लोगों का टारगेट निकल जाएगा, 45 रुपीज़ का टारगेट निकल जाएगा आप लोगों को। अगर मान लो कि ये सपोर्ट को पेंट करके नीचे गिर गया तो 20.9 रुपीज़, अगर 20.9 इसके नीचे चला जाए तो बाई मत करना, क्या पता 10 रुपये तक का टारगेट दिखा दे नीचे। अगर 20.9 से 21 से बाउंस बैक कर जाती है कंपनी तो फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा 29.85, सेकेंड टारगेट 45.4 का निकल के आएगा आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या निकल के आता है। चार्ट पैटर्न तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक बार देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज और फंडामेंटल्स क्या निकल के आता है कंपनी का। जैसे कि मैं बोल रहा था 100% डिलीवरी है, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही कम है, 12,000 क्वांटिटी सिर्फ लिक्विडिटी है, 12,000 क्वांटिटी सिर्फ ट्रेड हुआ है, जिसमें से 100% लोग घर लेके गए हैं। तो एक बार फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट फिगर्स देख लेते हैं कंपनी का। जैसे कि मैंने बताया कैप्टन टेक्नोकॉस्ट इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट कैप 35.7 करोड़ के आसपास का निकल के आता है, ROCE 21.1%, ROE 18.2%, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 times इट्स बुक वैल्यू ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कम्पेयर टू द 52 वीक लो। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो डेट डेज इंप्रूव हुआ है, कॉन्स में कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ भी नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट अगर देखें तो वो नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम में कोई कुछ पूछ रहा था। तो बैक टू द वीडियो, अगर सेल्स के बारे में बात करें तो अच्छा खासा दम देखने को मिला है, एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का, उसके बावजूद ये कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग है। जैसे कि मैं बता रहा था आप लोग को 2011 से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर, 2013 से ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये आप लोग देख सकते हो 2013 से कंपनी प्रॉफिटेबल है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो मार्च 2021 का अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी के पास डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है। मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया होगा, क्योंकि लगातार 3 सालों से कंपनी डेब्ट रिड्यूस करते आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है, 4 लाख से -20 लाख का कैश फ्लो देखने को मिल सकता है आप लोगों को। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 27.91%, और ये पूरा ही रिटेलर्स का पैसा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग सितंबर 2020 से एग्जिट कर गए, और प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी कंस्टेंट है, 27.91% जैसे परसेंटेज निकल कर है, ये हम जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है 27.91%। तो ये रहा इस स्टॉक में बताने के लिए, आया इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, DM मत करना, DM में रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग DM करते हैं। अभी देखा आप लोगों ने कि वीडियो बनाते बनाते एक ने DM किया मुझे, किसी ने DM किया मुझे,
तो डीएम में रिप्लाई देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन जितना सके आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं सबको रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोगों को इतना ही जल्दी है पूछने का, मतलब पर्सनली बात करना चाहते हो जल्दी में, तो मतलब फास्टेस्ट मेथड है अगर मुझ तक पहुँचना है तो कमेंट करना किसी भी पोस्ट में, इंस्टाग्राम में पोस्ट, इंस्टाग्राम का पोस्ट में, या तो फिर वीडियोज़ में कमेंट कर देना अगर आप लोगों को फास्टेस्ट रिप्लाई पाना हो तो। डीएम में टाइम लग सकता है, अगर डीएम जो पेंडिंग है अगर आप आज मुझे भेजते हो उसके ऊपर अगर डीएम आ जाएगा तो क्या पता 30 दिन भी लग सकता है आपका डीएम एक्सेप्ट होने में। और हाई हेलो मत भेजना, अगर क्या अगर हाई हेलो भेजना ही है तो आपका जो मेन कंटेंट है क्या आप पूछना चाहते हो वो पहले लिखना, सेकेंड मैसेज में हाई हेलो करना, क्योंकि जो हाई हेलो वाला मैसेज होता है मैं वो डिलीट कर देता हूँ या तो फिर पेंडिंग में ही रहने देता हूँ। तो चलिए गाइस, याद रखना ये कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को कुछ पर्सनली पूछना है तो सिर्फ हाई हेलो छोड़ के सिर्फ काम की बात करना, हाई हेलो करना लेकिन फास्ट मैसेज, काम की बात करना। बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।